you, everybody. Thank you. Sorry. चल भाई नमस्ते। चल भाई, चल भाई। ठीक है सेंटर बहुत है फिर। थैंक यू थैंक यू। यो यो ये सेंटर बहुत है फिर। यो सेंटर अरे बैटरी देना यार वो तो मैम लुक एट लेफ्ट साइड योर लेफ्ट कॉर्नर एम यो वोटर को क्रॉस पीपल दिस साइड। थैंक यू थैंक यू मैम। भाई फोटो दिशा भैया खाते तक आई। थैंक यू सर। अरे बॉस हेलो लुक एट लेफ्ट बोथ ऑफ यू। मैम लुक एट लेफ्ट मैम योर लेफ्ट साइड। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे देखिए खाली कौन है सेंटर अरे तो धक्का मार बट मी तो उबर है मैम। राइट लो राइट लो राइट लो राइट लो राइट लो होयो उड़े उड़े राइट लगे मैम। ये आप यहां पे देखिए पहला इनको खत्म कीजिए फिर ए वन बाय वन आएंगे। उधर भी आ गए यार अरे आधे सर के ऊपर है ना बोले बस 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 ज्यादा मत सर के ऊपर है यहां पे देखो यार रियली टायर्ड हां लोग ये मार गिरा दूंगा मैं।
बैगा तुम्हाला दिलेली आहे ना तिथे तिकडनं बॅगा उचलून इथे ठेवलं त्याला सांगतो इथे दुबारा म्हणून बॅग उचलून मी इथे ठेवली म्हटलं लावून देते लाईन तुमच्या तिथून पण तुम्ही पाठी येतो यार डोक्यावरचे कॅमेरे मराठी आहे ना काय गो सब हट जाओ अपनी साइड पे कोई नहीं चाहिए मुझे साइड बिल्कुल नहीं क्योंकि रियल तो स्टिल मेरा पेंडिंग अपने चले ले लो मलाइका मैम करण सर करण इसके लेफ्ट
बीच में उसको बोला असमत तेरे को किसी का नाम भी नहीं पता ट्रॉली ट्रॉली Come, look, 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 look. You have to go either inside, inside completely. No, 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 you're booming this thing. Circle your left. Ma'am, look your left. Thank you. Thank you. सब चलता है मैम लुक एट लेफ्ट यस स्ट्रेट लुक इतना गिरा थे ए ओलेक्सी ओ या थैंक यू थैंक यू नहीं बोलना देख लीजिए अभी मेरे को बोलता हूँ बैटरी ले गया था कैमरा का बैटरी किसका उस भी नहीं टेंशन मत ले किसको भी फोन करके पूछ होशियार है बहुत अभी लेफ्ट में मैम यो सेंटर मैम यो मैम गो कौन सा सीधे रहते हैं करण पटेल वाइट चल अभी लेफ्ट में राइट राइट
अरे काका का लैपटॉप है मैं कॉपी मार रहा ये कौन है उसके साथ खड़ी ओरिजिनल हाँ वो खड़ी तो वो किसके दूसरे के साथ क्या शूट क्या कर रहा है गॉगल Back.
मलाइका जी Thank you so much.
हटोगे ठीक है राव दे कॉम्बिनेशन हो गया एक बहुत अच्छा से वी आर वेरी हैप्पी ऑन द सेवन स्टैक्स और तो बोले कि मैं दो दिन से सो वैसे ही ना काफ़ी हॉट लग रही है आप और लेकिन इस कॉम्पिटिशन में आज काफ़ी लोग वॉज लुकिंग गॉर्जियस ऑल द लेडीज एंड आई एम हैप्पी ये मेरी पहली गोल इंटरव्यू है बट मेरे पास एक्चुअली दो cheers ओके ये डबल डबल बन का डबल धमाका हो गया खुशी का अवार्ड ऑफ कोर्स मां बेटे दोनों को अवार्ड मिला क्या बात है आज आपके बेटे इससे अच्छा गिफ्ट आपको नहीं मिल सकता था योर सन स्टैंडिंग विद दिस लेडी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच और मेरा बेटा अच्छा लग रहा है वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच बस तुम्हारी के लिए बेटा इधर क्या नाम इसका आप अपना एक सोच रहे हैं आपकी आप इधर ठीक है आप अपनी फ्रेंड सोच रहे हैं ये बस ये दो इतना इतना का है हां मैं बोला वो बहुत टाइम तो अरे काय लावलं इकडे बाबाजीचा पेटारा काढायला सांगितलं ना भाई तो डोकं बर हाय कुठं तू गिव मी वन पिक्चर वर मैम गिव मी अ फोटो मैम यू स्वीट ओ यस स्वीट सर लेफ्ट में देखिए सर यार Please look on left hand side here. Both of you. On your left hand side. Excuse me, both of you here. Excuse me, here. Thank you. Give me a soda. Yeah. मैम यार
अरे लुक स्ट्रेट मैम यस स्ट्रेट थैंक यू हेलो नमस्ते क्या आप सब रिधिमा की मम्मी से मिले अरे आता चाले आता अरे अचानक सगळे येत राहिले असते तुम्ही फोन कट केला असता तुम्हाला कशा लागता कौन है पीछे कौन है इसको बुला इस तरफ आ जाए अरे गोरेगाव स्किज मैम अरे यार अंदर कुछ भी चल रहा है मैम अरे मैम लुक एट द फ्लाइट बराबर का सर थैंक यू अरे यार करण का नाम क्या विराज सर ए इधर तो नाम का है ये सरोज हां सर इधर तो दादा स्टील दादा ये पिक्चर ये कौन है अरे पिक्चर बोल दिया ए अजय हेलो मैसेज कर करो यार इसका कपड़ा को हां इसको लेके आओ जरा से यहां से लेके आओ हेलो ब्रदर
किधर गया फोटो पहला जी रेडबुल रेडबुल थोड़ा पीछे आ जाओ लेफ्ट में ये ना फोटो बात नहीं करती करण सर लोग लेफ्ट साइड करण करण थोड़ा लेफ्ट में देख लेना तेरा लेफ्ट में ही ना स्टार्ट फॉर सेंटर सेंटर बहुत अभी सर स्टार्ट लेफ्ट साइड स्पीड में सर हाथ ऊपर है स्पीड में सर सेंटर हवा तो आया है बाहर इसके मैम लेफ्ट खोला थैंक यू इसे ऑफिस की तरफ से लेफ्ट लेना पड़ेगा गेट में गुजर के तो पहला लेफ्ट छोड़ के सेकेंड लेफ्ट दूसरा लेफ्ट से सीधा ऊपर मैम लुक एट लेफ्ट एक्सक्यूज मी या या I'm looking at left corner. Gina, your left side. Look at left. I'm here.
मीरा अरे पीछे क्या कर रहा है अरे राम
राम सर सर सुन राम गया हनुमान के पास अरे कौन सर मैम ये ऑन सोलो सर सर मैम लुक एट सेंटर मैडम मैम ये मैम लुक एट सेंटर यस टेक टू यो मैम एक्सक्यूज मी यो दिस साइड मैम दिस साइड कैट एंड माउस स्टूडियो मैम ये मैम लुक एट सेंटर नेताजी सेंटर आपके सामने नंदी सर लेफ्ट में लुक एट लेफ्ट सर या नंदी सर कुछ बुलाते सर या तो बेटा देखो सर या सेंटर मैम कितनी तरह से थैंक यू सर हैज एड्रेस मैम 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 लुक एट लेफ्ट लुक एट लेफ्ट बता दे Give me a solo. Yo, I love you. Yes, yes. Thank you. One. Excuse me, ma'am. Ma'am, throw the left side. Yo. Look at left side. Left side. Look straight in. Ma'am, look at it. Yeah, already covered. Great, ma'am, yo. मैम लुक एट लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर
बर्दा जी स्ट्रेट या मैम या मैम लुक या लेफ्ट बर्दा मैम या मैम या स्ट्रेट मैम या मैम या नहीं देखा स्ट्रेट बर्ना अरे भाई फोटो हो रहा है तो रोको ना पार्सिंग को, क्यों पार्सिंग छोड़ रहे हो? थैंक यू एक्सक्यूज मी मैम जो स्ट्रेट लुक मैम जो स्ट्रेट अरे यार एम या मैम थैंक यू भाई एम या थैंक यू आर्यन सर आर्यन 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 सर आर्यन आर्यन सर लेफ्ट स्ट्रेट है आर्यन सर थैंक यू आर्यन 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 सर फोटो प्लीज सेंटर यार कुटे फोटो यो 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 लुक या लेफ्ट साइड एम या मैम एम या एम ऑन बैक टू सर एम या एम या थैंक यू यस एम या मैम लुक या लेफ्ट दैट वाज लेफ्ट साइड एम या मैम लुक या लेफ्ट योर लेफ्ट कॉर्नर एम या सर लेफ्ट साइड सर यो 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 सर यो सर यो स्ट्रेट स्ट्रेट सर यो मैम यो मैम यो मैम यो मैम यो मैम यो मैम लुक लेफ्ट मैम यो लेफ्ट मैम यो लुक
का साइड में अरे हां पूरे कर ले मतलब फ्लैश ब्लो तो मेरा फ्लैश नहीं नहीं हां बस नहीं सर अभी छोड़ ले जा अरे मैम एक्सक्यूज मी मैम थोड़ा पीछे मैम थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं सही है लुक साइड है होता भी है इन दिस कैमरा इन दिस कैमरा I'm looking at left. Ma'am, you're right. Ma'am, you're right. Ma'am, you're right. Sangeeta, ma'am. The left side, left side. Ma'am, you're right. Yeah. Thank you. Excuse me. Ma'am, you're right. Ma'am, you're right. Thank you. Ma'am, you're right. Ma'am, you're right. मैम लुक एट सेंटर यस और हम आपके साथ एक गेम खेल रहे हैं आप आइए चीज है ये चीज अरे आजे कोई बात नहीं मैं पकड़ता हूं चलो 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 ये बस ना खाली ओके वेट 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 एक राउंड लेवल है लड़की 2 साल कंप्लीट हुए आज आज पार्टी है अंधेरी चलेंगे आप ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे शो से जो नॉमिनेशन आए हैं वो बहुत सारे सोचे थे लेकिन आया ही नहीं मुझे देखिए हर चीज वाले को शेयर करेंगे हर या जो भी आए हैं तो सबको शेयर करेंगे और सबके साथ में एक गोल्ड मेमोरी जाते जाते शेयर चारों एक साथ आए ये पहली बार ये नहीं कि हम शो में भाई मेमोरी हमारी यही है कि हम एक साथ आए चेयर करने आए और ये जानते हुए आए कि हमारे शो से कोई नॉमिनेशन नहीं है ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है about my look well it's done by Nikita Tandon from Delhi she's done a very good justice to my figure she said I want something sheer or mujhe aise kuch mint color jo ki bahut hi summery color hai you know like pastel shades so you can see it's a very sheer nice thing like a mermaid fitted dress I would say this is well deserved. Yeah, yeah. 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 Yeah.
नॉमिनेशंस तो एक्चुअली इतने सारे कैटेगरीज में है बट फॉर अस सिंस वी वर बिजी शूटिंग सो आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट लीड एक्टर सो देखते हैं अगर दर्शकों को यू नो स्वाधीनता अच्छी लगती है मतलब सुधा स्वाधीनता सो लेट इट गिव मी बेस्ट लीड कैटेगरी सो या सॉरी के लिए योगा डी स्ट्रेस दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू ईट हेल्दी लाइट जल रही है क्या तो जल Well, I think today I'm dressed, see my gowns to Amisha pehti hu, lekin today with my hair, my makeup, it's very Victorian I feel. Like, because today the hair is also been done, the curls and the puffs, so it's a very Victorian. How excited are you? I'm very excited because Touchwood as of now, Bahu Amari Rajinath is doing fabulous Touchwood. And Hamari bhi 5 nominations hai. So, we all are a team, we all are one, so we all are here together. So, I'm super excited and hope we pick up some awards. Thanks. हम 4 दिन से रेडी कर रहे हैं हमारा ये वॉक और हमने ये खुद स्टिच किया मैंने इसका ड्रेस पहन के और बहुत मेहनत की हमने यहाँ पे आने के लिए और वी वॉक ऑल द वे फ्रॉम आवर सेट सो वी हैव ड्यू डन इट इनके लिए मैंने रेंट पे लिया है मेरे भाई का बड़े भाई का मैंने छुड़ा के So yeah, this part looks really good and I've come to Golden Awards for the first time. I think it's both a charm. अच्छा शो है यार देख लो It's a nice show. The show is picking up now and everyone is loving it. And mashallah, sir, that's all that's up right. There's a new entry in it. So I hope the show ke baad humko bhi thoda ho. Yeah, thank you. ऑब्वियसली लीप के बाद शिवांगी जोशी आई है तो लीप के बाद और मोहसिन खान तो मोहसिन खान कौन हाय यू आर आई कैरीड योर बैग लीप के बाद एक्चुअली व्हाट आई फील इज कि शो और व्हाट व्हाट हैपनिंग हो गया है इट्स रियली फन दिस न्यू ब्रेथ ऑफ फीलिंग एंड बहुत सारा ड्रामा बहुत सीरियस हो गया था तो आई थिंक एक कॉमेडी फैक्टर आ गया है एक रोमांटिक फैक्टर आ गया है तो मार्केटिंग सीन्स हो रहे हमारे तो शुरू हो गए तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस मैंने ऐसी तारीफ को नहीं लगा ऐसा कुछ तारीफ कर ही रही थी और आपने बोल दिया छोड़ो फिर क्या अच्छा गली में मैंने मोहसिन को ऐसे लुक में आज पहली बार देखा है बाल में जेलवेल लगा के पीछे प्रॉपर सेट करके मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छे लग रहे हो बहुत अलग लग रहे हो और अच्छे जो उसे लगता है कि तुम बड़ी नहीं कुछ भी कैसे ज़्यादा बड़ी आंखें नहीं होनी चाहिए पर आई थिंक लगती ना बोल शॉर्ट 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 प्लीज ये बैठे नम्रता बैठ नम्रता अरे शॉर्ट तो लेने दो ना यार बस क्या ये भाई समीक्षा समीक्षा शॉर्ट शॉर्ट विजुअल विजुअल यार यार सामने काफ़ी एक्साइटेड था आपका क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ परफॉर्मेंस बहुत ही अलग है उसमें एक मैसेज है तो और मनीष राय सिंघानिया जो ससुराल सिमर का मैच आते हैं उनके साथ मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया तो अच्छा
अच्छा लगा हमें परफॉर्म करके, और आज व्हाइट मैंने पहना है क्योंकि ये व्हाइट और गोल्ड ज़्यादा ज़्यादा है। जैसे वो तेजा रिपोर्ट टाइप तो हम लोग इसमें जुआ खेलते हैं, गैम्बल करते हैं, इसमें मनी जो जीत जाते हैं वो हार जाते हैं। आपको देखना बहुत मज़ा आएगा, अपना बस देख के देखना हो कि आप बोर ना हो। परफॉर्मेंस अच्छी है, सभी लोगों की अच्छी है, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छा हो रहा है इस बार का। फैजल फैजल आ जाओ शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स में क्या And I think it's a good thing because you know, wearing a tuxedo, it becomes very common, and I believe it's very important to break the monotony. So it was my idea, designed by my good friend Sharad Raghav, and he's done a brilliant job, I must say. Well, I've always been a fan of Air Force, and I myself wanted to be an Air Force pilot at one point of time, so I thought why not wear something which is similar to that. And I find the army officers, military officers very classy, so why not wear something which is classy. Well, I would want to wish World Awards in Vegas a very, very happy 9th World Award. Congratulations, brother. And World Awards are very, very important for me and very close to my heart, because this was the place where I won my Best Actor Debut Award. This was about 5 years back. So yes, these awards are very special for me. कुछ है नहीं बोलने का मेरे पास, क्या बोलना, मतलब तो मैं तेरा बोल नहीं थी। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बताऊँ उसके बारे में, लुक आंकी ने पिक किया मेरे लिए, सो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा ड्रेस चूज किया है, एंड नेकलेस मेरा है जो बहुत टाइम से मेरे पास है, सो आई जस्ट कॉल्ड गोज़ विद इट। थैंक यू। अभी फिलहाल लग रही है पर आप अभी अंदर ना ब्लैक इज एनी कलर ऑफ सच इवेंट्स एंड फंक्शंस इन द कंट्री, सो ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग। इस बार मेरी मदर लोग डिजाइन नहीं है, मतलब शूटिंग 9 to 9 एवरी डे, सो मौका नहीं मिलता है टू सिट टुगेदर एंड गेट समथिंग डन। Look center, look center, please. Well, last year मेरा पहला गोल्ड अवार्ड था करण वाइट, एंड आई वाज मोर देन हैप्पी, दिस इज हाउ आई फेल्ट, सो आई वाज मोर देन हैप्पी कि करण गॉट एन अवार्ड, एंड इफ दिस ईयर अगेन आई विल गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, इट विल बी थर्ड कंसेक्यूटिव अवार्ड, एंड आई हैव अ फीलिंग इट विल बी वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ गॉड इन द इंडस्ट्री, सो आई हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप आई थर्ड गोल्ड अवार्ड कम बैक। थैंक यू।
तैयारी आपके सामने मॉल से नहीं, तो कूल एंड अभी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर द नेगेटिव फॉर द दैट इज द फर्स्ट टाइम आज द नेगेटिव भी लग रहा है देखने के बाद सो या अब बेटर है नाउ वी आर पॉजिटिव बट या एक साथ हम पूरा नेगेटिव कर ही लिया बट या नाउ दैट आई एम गोइंग टू पॉजिटिव आई जस्ट होप दैट वी ट्रैक वेल बंद हो रही शो से जुड़ी कोई गोल्डन मेमोरी जो आपसे बंद हो रही सॉरी अपने शो से जुड़ी कोई गोल्ड मेमोरी Yeah, it's always been the discussion between me, Vikram, and Quince. I've always missed the discussion that I had in Manitou Ladai as well as seeing what the Quince did. Now that Quince is not there, so I'm kind of missing that. And I hope he has a good listening. Are you going to be a good listener? Look here. Thank you. Hey, Ajit. Come forward. Look here. मैंने दो लोग डिसाइड किए थे मैं सर ही लूंगी और बोला था कि रात को जरूर तो वो पहन लूंगी Yeah, we both basically I coordinate
सच बात यह है कि इनका आउटफिट हो गया था और मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ा जैसे हर जगह. So that's the proof. Her outfit was done and then she was like, "Up to me, up now, outfit. Mere tarike se karna." So I tried coordinating it. I think I've done a decent job. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hello. Why you boys sound like glitter all over? Everybody is in glitter. So you all can like. And you're glittering like gold. Look at them, they're all shining. Oh, you're shining. All that glitters is obviously here gold. My outfit is designed by Yarin. This is Rohit Verma, a dhoti sari basically. I wanted to be totally different from actual Jigya Saab because doing the same thing over and over again. And yes, my cool name. Are they okay? Abhi thoda makeup kara ke aa rahe hain, so I think they will be here soon. Hi. मैम सबसे पहले तो 9 गोल्ड अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितना एक्साइटेड है और गोल्डन कार्पेट पर रेड का वॉक करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. ये पहली बार है कि मैं गोल्ड अवार्ड अटेंड कर रही हूँ, तो आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. टेलीकास्ट अवार्ड बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज एंड मे द बेस्ट इज द मोस्ट डिजर्विंग पीपल वेंट टुनाइट. तो क्या चीज देखने के लिए एक्साइटेड है सबसे ज्यादा गोल्डन अवार्ड? Honestly, the whole thing in totality, Vikas Talantri is a dear friend and unki opportunity awards arranged karne hai, sadly arranged karne awards hai saal. So I think that I am really looking forward to all the performances, the awards and meeting all the lovely people from the TV world. Well, upcoming project, there's something on the web right now. It's a web series called Shockers. We make episodes I call A Lover's Call, which is on air right now. And apart from that, there's a film that I've produced and directed, which is up for the festival really soon. You will, last year, the entire year, went in producing and directing my short film. सुपर एक्साइटेड और एक्साइटमेंट की एक और वजह ये है कि मैं अपने शो के लिए नॉमिनेट हुई हूँ. सो माय फर्स्ट शो, माय फर्स्ट नॉमिनेशन. मैं मेरे शो के लिए मैं आई कमिंग फॉर देम अच्छा कोई गोल्डन मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं जैसे गोल्डन वेल आई थिंक गोल्डन मेमोरी मेरी इस बार बनेगी बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम अटेंडिंग गोल्डन अवार्ड्स. सो आई थिंक आज मैं जो कुछ यहाँ पर वो मेरे लिए काफ़ी यादगार कोई स्पेशल परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड आप अंदर जाएंगे तो सब देखोगे आप अंदर जाने के लिए. थैंक यू.
शॉट 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 बैटरी है सर, बैटरी I have no idea. I'm just here to represent Balaji, and my mom and sister couldn't make it, so I'm here in instead of them, and we're gonna sit for some time and enjoy the TV award. I'm very excited because Amir is performing, and for a change I'm not performing, I'm just going to be watching everyone. So I'm very excited. Thank you. I will most likely wish my dad. Maybe I'll just catch my flight. थोड़ा इधर अपने लिए कर रहे हो बाबा। देखो गोल्ड पहन के आया हूँ, गोल्ड अवार्ड्स के लिए गोल्ड पहन के आया हूँ, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो पिछली बार जीता था आज दोबारा नॉमिनेटेड हूँ। मुझे बस बिगेस्ट वरी है कि मेरी नॉमिनेशन आके चली तो नहीं क्योंकि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किसी को पता है नहीं ना, नहीं हुआ ना। आई डोंट नो, ये है मोहब्बतें हैज बीन नॉमिनेटेड आई थिंक करण, दिव्यांका, माई सेल्फ, अनीता, बेस्ट शो, एंड एज आई सेड बिफोर आई होप दिस टाइम अराउंड, पिछली बार तो हम सब अपने लिए जीते थे, इस बार आई होप वी विन फॉर द फैंस, बिकॉज वो लोग इतने दे सो दे बिलीव इन दिस शो सो मच एंड दे वांट अस टू विन, दे बीन वोटिंग एंड आई होप वी विन फॉर द फैंस। आई टोल्ड हर पर्सनली, वो इतनी वर्कोहॉलिक लड़की है, मैंने उसे बोला था दिव्यांका तो क्या एक हफ्ते या दस दिन की छुट्टी ले ली, तो पूरे एक महीने की छुट्टी, तो आई होप शी डज दैट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, शी इज लाइक माई सिस्टर, नॉट ओनली अ कोस्टार एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, आई एम सो हैप्पी फॉर हर बिकॉज आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, आई एम वेरी वेरी बहुत मेक्स अ रियली नाइस, थैंक यू सो मच गाइस। फिर राकेश डांस Camera look. I'm absolutely comfortable. It's light and I'm not feeling hot. बेटा होल्ड होल्ड हो उसको बैटरी साइड किया।
लाइट लगा लुक तो एक्चुअली भी कंसल्ट ही ज्यादा मैं कुछ डिजाइन देख रहा हूं बेस पर ये देखती है ये बेस ये तो शादी का यार वी हैव टू गेट दैट बट ये जो सूट इज वेरी एंड इट्स वेरी क्लासी मैंने भी एफर्ट डाला नहीं है एफर्टलेस है Yes, yes, look here, look here. Thank you. Look here, look here. स्पेशल सीन करके आना अभी लास्ट में समझ आया तो फैन से आना कैमरा लो कैमरा लो सारी कास्ट ऑलमोस्ट नॉमिनेटेड है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है आई एम हियर देखिए किसी ना किसी को मिलेगा हमारी बहुत कम है सुशी भाई कौन है सुशी भाई यार दीपिका साथ में कहीं चलेगा और सिलेक्ट मैंने किया है मुझे बेसिकली थोड़ा समरी पहनना था और वाइट इज माई फेवरेट और गोल्ड अवार्ड में लास्ट टाइम भी कुछ भी कुछ पहना था तो इस बार मैंने सोचा कि वो मतलब लाइट कलर पहनती हूँ लास्ट बड़ी पसंद है काफ़ी ड्रामा है इस ड्रेस में ही जो कुछ भी पसंद था इन्होंने आज के प्रैंक में पूरा एक घंटा मैंने मेकअप ले लिया है मुझे कनिका जी के साथ
इस बार तो मैं तो एंजॉय करने आई हूँ अवार्ड्स को, एक डेढ़ घंटे हम एंजॉय करूँगी और फिर हम लोग एग्जैक्ट ले लेंगे. गोल्ड अवार्ड क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I think Gold Awards हमेशा बहुत स्पेशल रहता है बिकॉज विकास इज वेरी वार्म एंड he's वेरी स्वीट. He personally always invite you. It is a special feeling to be present for Gold. And yes, I think अब तो मैं अगले साल के लिए अभी से बेसिकली से इन्वाइट इंतजार कर रही हूँ बिकॉज वो 10th होने वाला है and I'm sure it will be awesome. आज दीपिका लग रही है. That was the old point कि कुछ अलग लगूं, थोड़ा सा fresh लगूं. So I've tried my bit. I hope everybody likes it. गोल्ड अवार्ड है, कोई गोल्डन मेमोरी शेयर करना चाहेंगे अपने शो से रिलेटेड तो बहुत गोल्डन मेमोरीज है यार. बट हाँ, आई थिंक वन थिंग जब हम शाहरुख खान के साथ एक सीन शूट करने ले गए थे, दैट वाज आई थिंक वो आज भी मेरी आंखों के सामने है. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे. सो या, दैट इज वन मेमोरी व्हिच इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट. थैंक यू. Once again, ma'am. Look here. Yeah, yeah, actually. कॉन्सेप्ट एक्टर है आजकल, कुछ नहीं मिलता है.
अच्छा आपने अवार्ड की अवार्ड के उसी को इंदारा वाला जो आप शेयर करना चाहते हैं अवार्ड दो वर्कर्स अवार्ड का यार बेस्ट मेल मॉडल मिला था बीच मिला था फेस्टिवल में बहुत स्पेशल नहीं यार ये शो जैसे खत्म होता है फिर देखते क्या आता है चीजें आ रही हैं जैसे ये खत्म होता है ऑडियंस में प्रॉब्लम आ जाए आई थिंक इट हैड टू बी इट्स ओल्ड वर्ड बिकॉज़ इट्स विकास एंड विकास लाइक फैमिली सो यू नो आई मीन आई जस्ट थॉट दैट इट्स टाइम फॉर यू टू फ्लैशिंग मेकिंग अपीयरेंस एंड इट्स नाइस आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल डे सो जस्ट थॉट मेक इट नाइस एंड nice and cold for all of us. So yeah, so I'm looking forward to it. अच्छा guys, काफी अच्छे लग रहे हो आज. एक दूसरे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं कलर कोऑर्डिनेट ब्लैक और ब्लू का मतलब एक्चुअली बहुत लड़ाई की उसके बाद फाइनली हम लोग एक आगे चले गए हैं. Well, I think it's not coordinated at all. I think the best is just be yourself. Yeah. I think more time चला गया जब आप अरे आप पिंक पहनो तो मैं पिंक पहनूंगा आप ब्लू पहनो मैं ब्लू पहनूंगा. Well, actually, it was like really weird. अरे पता है बहुत लंबी कहानी है हम बात करेंगे सेट पे आके वो देखो वो डाउन कर दिया कुछ भी डिलीट करो मेरे को नहीं पता bold this year and looking so hot. Why are you supposed to like stand up when I say all that? Yeah. With a lot of help from Moni. Yeah. So yeah, all good. Well, it's styled by Ankita. It is... Please tell me. It's by Karish. Karish Mata. Devansh. Yeah. And also the whole idea, mother of the idea. Not so much. She burns well, बहुत energy है. I think अभी हमने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया है. I'm looking forward to seeing many performances and बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. पहली बार मैं और श्रुति साथ में डांस कर रहे हैं तो अच्छा लगा. बोली ये बताइए आपने जैस्मिन का कैरेक्टर आया है अभी जो मैंने उसके बारे में पूछी है ना हाउ वाज इट मतलब लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ डिज्नी प्रिंसेस का कैरेक्टर वेरी वेरी गुड आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड स्टाइलिस्ट रिशिका आई हैव टू थैंक हर आई डोंट टॉक अबाउट हर एनाफ तो मेरे सारे आउटफिट्स वही करती है आई डोंट इवन नीड टू लाइक डू एनीथिंग और पुट एनीथिंग टुगेदर सो शी डज इट ऑल सो जैस्मिन टू That is a happy coincidence. So any usually can't reveal on camera. So I was just thinking, what lie to say? But no, I mean, is it related to style? You know, it started with books, but then we just kind of got over it. Now we talk about everything. So I want to know what is there in your clutch?
I have a. अच्छी टीम आती रहती है, भगवान करे। अच्छा कौन से अवार्ड मिले हैं?
बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड मिला है मुझे, वेरी हैप्पी। नहीं नहीं यार, कुछ तो प्यार मिला है। प्रोड्यूसर 2000 एक मिनट, एक मिनट होल्ड, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे सोलो बूटी So yeah, so like I was saying, so the act is going to be a lot of fun. बहुत मजा आएगा, बहुत ही कमाल का एक्ट होगा, बहुत ज़्यादा energy होगी. So excited to दो चीज़ों में nominated हूँ. One is for the fittest actor on television and the other is for the best actor. So it's an exciting thing. Thank you very much. Thank you. सांगितलेलं प्रसाद गोल्ड अवार्ड का ब्लैक एंड गोल्ड पहना है कोऑर्डिनेट करके एक्चुअली इन सुपर माइक को सर्विस ऊपर ना 3 मिनट बाकी है अपने को भी आपको शेयर मेरा पहले से साइड पे बस आज 9th भी है, आज 9th हमारी एनिवर्सरी भी होती है मंथली और 9th गोल्ड अवार्ड है, सो एक्चुअली वेरी नाइस डे टू हैव गोल्ड अवार्ड, वी कम हियर टू सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी, एंड 9 इज अ लकी नंबर, एनिवर्सरी की काफी दिन हो गए, वेडिंग के पास है रहेगा जी, पता चलेगा ये गोल्ड अवार्ड है, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट। गोल्ड मांगूंगी, डायमंड देगा बहुत है, एटलीस्ट ऑलरेडी बहुत है, नहीं लग रहा मुझे कौन ही था, ये ऑप्शन ही नहीं है। चलो आशा बुला रही है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यही कैमरा कंप्यूटर राइट, कंप्यूटर राइट, मोर मोर मोर। अच्छा
अवार्ड के साथ थैंक यू Now I do watch TV, yes, because I have a show which is coming on TV. So, जी मैं TV देखता हूँ. क्या होगा? तो I think web series जरूर देखनी चाहिए. It's a show but I don't watch TV, which I do. But मैं TV से of course बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसके ऊपर हमने show बनाया है. और अब show बना दिया तो मैंने सोचा कि अब real life show लेकर भी आ जाऊँ. So इश्क बाज़ is coming on Star Plus very soon this June. So I don't know what you have to say about it, yeah. It's very classy. Yeah. Very royal. So it's made by friends of mine, Neeraj and Ravi. They have a store called Primazar, and they design all my suits, and this is made by them. So, yeah. How excited are you? Very excited. I think ये साल का पहला television awards है. मेरे दोस्त का है, विकास कालंत्री के gold awards है. Very reputed awards, and दो बार पहले मैं जीत चुका हूँ ये awards. I think it's the first time I'm coming to an award function जब मेरा show TV में नहीं है. It takes the pressure of you कि you just come to cheer everyone, which is also good. जी, so I think I won my best debut award दो साल पहले, तीन साल पहले. That was a memory I'll always cherish. I think the year after that I won the best actor award, which was also a golden memory I cherish. And I think आज award function attend करके बहुत सारी नई memories बनाने का मौका मिले. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good. आज अकेले नहीं, माय हस्बैंड इज इनसाइड गेटिंग रेडी फॉर द परफॉर्मेंस. सो आई एम जस्ट वॉकिंग द रेड कार्पेट, गोल्डन कार्पेट पर. मैं कुछ कहना चाहूंगी अपने आउटफिट के बारे में. माय आउटफिट इज गॉर्जियस, आई लव्ड इट, व्हिच इज व्हाई आई एम वेयरिंग इट. द गोल्डन कार्पेट इज कॉम्प्लीमेंटिंग माय आउटफिट. आई एम सो थैंकफुल टू गोल्ड अवार्ड्स फॉर हैविंग अ गोल्डन कार्पेट एंड एवरीथिंग जस्ट गोस परफेक्टली. शर्कुन यार, लुक यार, होल 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 Thank you so much. My outfit is by Baba Don't Preach, and my jewelry is by 18. I usually wear black. Some people black pen for award function, or you know, it's very difficult to find a nice color. But मुझे ये color बहुत पसंद है, and of course it's gold awards, so gold to win is awesome. How excited are you for tonight? I'm very excited for tonight's award function, because obviously Vikas ka has all the challenges there. And all my friends are performing nominated also. मजा आएगा देख के. मैं तो गॉर्जियस गाउन के अलावा क्या कह सकते हैं, मैं आपके हाथ गाउन के अलावा मैं हैंड्स में आई हैव जूलिंग अटैच्ड टू ब्रेसलेट एंड मेरे माय इयररिंग्स आई हैव लार्ज स्वेटर मॉम सो एक्सेसराइज भी करना इंपॉर्टेंट है. एंड इसके अलावा गाउन के गोल्ड अवार्ड वेयरिंग मेमोरी
गोल्डन मेहंदी आई थिंक गोल्डन मेहंदी ये है कि मैंने मेरी रिक्वायरमेंट थ्री ईयर्स मैंने परफॉर्म किया था सॉन्ग इशा के साथ में बहुत ही पावरफुल एक्ट था यूजली मैं जब परफॉर्म करती हूँ बहुत गर्ली गर्ली एक्ट है फर्स्ट टाइम मिली मैंने मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ वापस टीवी पे और जी टीवी ओनली इन फैक्ट सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय कमबैक एंड एज इन सब पता चलेगा बट बैक ऑन टीवी वेरी वेरी सून तड़का तो होगा उसमें इट्स नॉट अ डेली शो But it's a bi-weekly, it's going to be a big show and I'm going to come back finally on TV. Sab pata chalega. Sab yahi pe bata do, plot bhi bata do. It's on CTV guys, it's going to come very soon, July, August, it's going to be on show. मैं आ गया बाइक में आवाज नहीं आ रहा थोड़ा आगे तुम फॉलो हर में मैंने कभी गोल नहीं पहना है मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं गोल अवार्ड्स में गोल पहन के प्रतीक्षा जिसने मेरा ये स्टाइलिंग वैसे याद नहीं कि मैं कुछ रहते हैं जब व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग योरसेल्फ और वर्किंग द गोल्ड कप जो रेफरेंसेस होते हैं वो अफकोर्स मैं ही देखती हूँ पर जो कंपनी आता है ये फोटो बाद में एक मिनट काम का समीक्षा इधर आपके लेफ्ट में थैंक यू पहला वीडियो मेरा भी इन्होंने ही बोला था क्या पहनूं पता नहीं था मैं क्या पहनने वाला हूं आई गाइस नो बड़े लकी द कलर कोऑर्डिनेटर है होप दिस गुड लक इवन ट्रैवल्स इनसाइड मेरी जान हट जा तू तुझसे नहीं बात हेलो हेलो ऑनर ए लिसन पहली बात तो ये पहली बात तो ये गरीबों को किसने बोला हटाओ इतनी अमीर भी नहीं बेच रहा आजकल टीवी पे तो सो सॉरी मैं सपोर्ट टाइम से मिला नहीं इसलिए मैं आगे मिलने के लिए कंटिन्यू करिंग काम करो चलो 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 माय गॉड सो यू थिंक यू कैन होस्ट नो सॉरी सो यू थिंक यू कैन डांस आई फॉरगॉट द डांस हां that he can ha boli acha no
जी दुनिया वालों, इस बंदे को मैं ये अंदर जाए उससे पहले अवार्ड देता हूँ। कौन सा अवार्ड? इसको अवार्ड ये जहाँ जाए ज्यादा गुड़ गोबर करता है, प्लीज ये आपके लिए पकड़े। सर ये गुड़ गोबर अवार्ड है, गोल्ड अवार्ड। ये पता है ये गोल्ड अवार्ड क्यों डिजाइन किया गया ना, कि जितने भी दुनिया में भांड है ना नाचने वाले, सबका जिम्मा इसमें है। जहाँ कोई नाचता वहाँ ये पहुंच जाते, तो आपको कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा? देखिए, सो यू थिंक यू कैन होस्ट? आई कैन टोटली, लेकिन मुझे आज भांड गिरी के पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगा। सच्ची कह रहा हूँ, जब तक मुझे पैसे मिलते मेरा दिन खुश हो जाता, बहुत खुश हो जाता। आई थिंक ऋतिक को दूंगा मैं द मोस्ट एंटरटेनिंग होस्ट, आई मीन कीपिंग जोक्स असाइड, मेरे से शो कर चुका है, मना नहीं कर सकता मैं। ओके ऋतिक, आई थिंक आई हैव केयर अबाउट योर फिटनेस एंड दिस इज करण इज फोकस्ड। मैं बोलने वाला था कि बंदा इतना फिट हो गया, इसमें सिर्फ दो बटन खोल रखे, आपका कैमरा बंद होता नहीं, यहाँ तो खुला वाला था। यार लगा मैं कैमरा बंद हूं, मैं पहनता ही नहीं कुछ। ऐप बनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक रोहित एंड ऋतिक आर द मोस्ट फिटेस्ट गाइस ऑफ आवर ग्रुप एटलीस्ट। हां आप अच्छा वो आवर ग्रुप बोला, टीवी इंडस्ट्री बोलता तो मैं खुद ही डूब मरता ना। नहीं यार रोहित एंड ऋतिक नो, बट नाउ लुक एट हम अगर बाहर भी जाते हैं तो ये लोग पहले ये घर से तराजू लेके आते हैं, कितना ग्राम चिकन चाहिए, कितना ग्राम फिश होना चाहिए। नो बट आई थिंक करण यू लुकिंग फैंटास्टिक, बड़ा फिट लग रहा है और ऐसे ही रहे, बटन और खोल के चल वो टाइम है। करण का विश्वास नहीं हो रहा है, कौन सा है यू एक्चुअली? क्यों विश्वास नहीं हो रहा? किसी को विश्वास हुआ था कि मेरे ना मेरे पे चलने वाला शो 3 साल भी चलेगा? बहुत सी चीजें नहीं हो रही लाइफ में। अवधि का आप क्या कहेंगे ये आप? खाना पैक करके लाते हैं, बट आई एम रियली प्राउड, ये जैसा है अभी ऐसा मैंने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं और हमारे सारे दोस्त हार मान चुके हैं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, ऑल द वेरी बेस्ट, करते रहो। हां जी Yeah, I think she's starting a new show. Concept बहुत ही अच्छा है, and I hope the concept, which is not normal television concept, the concept चल जाए, people accept it, people love it, and obviously she's my wife and I would want the best for her. पॉसिबल तो होगा नहीं सीरियसली, बिकॉज मेरे काम करने के तरीके तौर तरीके है, तो नहीं कोई भी अगर मैं भी सेट पे हूँ, घर से सेट तक पहुँचने का पहुँच देती हूँ, या तो ये मुझे पहुँचे तो खुद पहुँचे। मैंने जितने बाइक चला दी मैं 6 महीने वापस थोड़ा करना बस 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 सब एक साथ
carpet might just burn to black now. अरे यार एक बार विजुअल तो करने दो ना यार। अच्छा करण, हम लोगों ने ये सुना था कि कपिल शर्मा के शो में बिपाशा ने ये कहा था नो किस पॉलिसी रहेगी आपकी, तो क्या आप अगली हेडसेट में ऐसे कुछ किस करते हैं? करण नहीं दिखेंगे ऐसे कुछ? वो आप डेढ़ घंटे के शो में सिर्फ वो याद है ये वो शी मेंटेन एज अ जोक, ऐसा कुछ नहीं। वी स्टिल चूज आवर द वे वी चूज। बस ये क्वेश्चन है, दो घंटे से बैठे हैं आप, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो there's no really changes as such. Still the same. She's still the same. There's no changes. We just wear the thing. Both single and married life, it depends on what you want in life. And if you are ready to tie the knot with someone who loves you and you will love for the rest of your life, you might as well do it. See, I'm concentrating on my acting career. That does not only mean film, it means television, film, theater, everything. So, I don't want to restrict myself to one actor. How do you deal with controversies? How do you keep yourself? I keep myself motivated with or without controversies. What all this happens? Do you have any regrets? No. मैंने ऐसी कोई नहीं की। If you had to go back in time, what would you do? If I could go back in time, that's a different thing. I would want to not go back in time, I would want to go into the future. But if I could go back in time, I wouldn't change. I have plans to become a father in life. Soon or late, that you can see, it depends on the both of us. Yeah, visuals, my first visuals. Yeah. बस कर again, one day that I'm thin and I'm posing for it. So, I'm a person like you.
अबाउट माई ओन आउटफिट I haven't got to meet many people, but whoever is sitting here, that's what you want, right? Thank you so much, Nia. कपड़े पहनने में 5 मिनट, छोटी बांधने में 15 मिनट. सच सच कपड़े पहने 9 gold awards obviously very very special because from the day one we are a part of it and इस बार nomination भी है, perform भी किया है and अंदर जाके देखते हैं क्या होगा. Sorry, nomination best actor in television like this and that is one nomination and उसके साथ साथ लड़का VID भी जीता. मैंने क्या सोच के मेरे को साथ में खड़ा कर दिया कि मेरे को मेरी डांस की सेवियर आज मेरे साथ है. जितने परफॉर्मेंस होते हैं इस लड़की को पकड़ के बोलता है यार प्लीज जस्ट ही डांस सिखा दे एंड इस बार इसकी हेल्प ही नहीं. सोचो इसकी शादी हुई ना. मेरी हीरोइन मेरे साथ है. सोचो मैं पर्सनली नहीं जाकर भी मैं जाकर आई. यस एंड वी विल दैट्स व्हाट. तो हमारे जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है जो उधर हम लोग बहुत बड़ा कांड करके आए हैं उसकी हीरोइन है हमारे साथ जस्सी अजय चौधरी एंड चैतन्य चौधरी एंड स्टेल स्टील फोर ऑफ देम वर द कास्ट एंड शी इज प्लेड अ 45 ईयर ओल्ड एंड शी इज प्लेड अ 25 ईयर ओल्ड एट द सेम टाइम ऑल विद फिनेस एंड द मूवी इज रियली रियली बैड. जब भी वो आए watch it and like it and share it. Thank you guys. Thank you. मैंने 12 बजे आऊंगा. मैं तो दोनों लोगों को थोड़ा पूछ के आया. मैं नहीं देखो बोल रही हूं मुझे पोजीशन ले लेके प्यार है उसकी इशू ठीक है. हां बाबा कोई चलो लोन शूट पे अरे पूरा गर्म हो गया. Very blessed that I have been nominated for the award. It's just one month that I have been doing this thing. हटो आगे से. कुठे गेला Okay, mic on there. Good.
थैंक यू. एक्चुअली मुझे कुछ कलर्स बोले गए थे जो मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मैं शो होस्ट कर रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू बी ऑन स्टेज एट ऑल टाइम्स. बट नेवरदलेस जब भी मैं रेड कार्पेट चलती हूँ तो माई स्टाइलिस्ट मेक्स अ ग्रेट एफर्ट क्योंकि वो ऑल द वे अमेरिका में रहती है, बट शी ऑलवेज मैनेजेस टू पिक आउट द बेस्ट फॉर मी. सो दिस इज डॉली जे एंड आई एम वेयरिंग ओरेल इयररिंग्स. एक्चुअली सभी की खिंचाई होने वाली, मेरी भी, जय की भी, ऑडियंस में जितने बैठे हैं कोई भी आज सेफ नहीं है. सो या इट्स गोना बी अ फन नाइट. गोल्ड अवार्ड कितना खास है आपके लिए? 9 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से जुड़े हो गोल्ड अवार्ड? गोल्ड अवार्ड्स ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा खास है. फर्स्ट ऑफ ऑल विकास करंट काफ़ी क्लोज हैं मेरे और हमेशा बहुत ही एक फैमिली सा एनवायरनमेंट बन जाता है. पर दिस इज़ माई सेकेंड ईयर इन अ रो जो मैं होस्ट कर रही हूँ, तो शायद लास्ट ईयर मैंने इतना अच्छा जॉब किया कि इस साल दे हैव कॉल्ड मी अगेन. सो वेरी एक्साइटेड. थैंक यू मैडम. एक सिगरेट बोलो साइड में यार, नहीं ना उसको भी कभी भी आने का चांस है. कोई लाइट लगाना मजे यार. रोलिंग रोलिंग. सबसे पहले तो लाइट लगाना है मुझे एक गोल्ड का एलिमेंट रखना ही था, सो देयर इट इज, दिस इज माई गोल्ड एलिमेंट. सो या इट्स माई एक्चुअली अवार्ड सीजन में ये मेरा पहला नॉमिनेशन है, सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. यहाँ पर गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड की कोई ऐसी मेमोरी है जिसने आपको गोल्ड गिफ्ट किया और ऐसी कोई मेमोरी जो आपसे अलग नहीं है? रिसेंटली मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड सेट गिफ्ट किया है एंड शी टोल्ड मी दिस इज ऑल फॉर योर हार्ड वर्क एंड सक्सेस दैट हैज फॉलोड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. ये मेरा लुक आप सब देख सकते हैं. आई वर्क रियली हार्ड ऑन माय लुक. सो this is a gorgeous gown by a very dear friend. She's designed it for me. And yeah. How excited are you for this award? My center mein aaiye, center mein aaiye. मैम ये साइड आइए. 9वां साल है आज. क्या कहना चाहिए? आज मैं कहना चाहूँगी अरे डन हो गया. फॉर मी तो पहली बार है गोल्ड अवार्ड्स. आई एम सुपर एक्साइटेड. अगर आज मैं जीतती हूँ सो मेरे लिए ये पहला अवार्ड भी होगा एंड मे द बेस्ट पर्सन हो इन सो गुड विशेस टू ऑल. कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट हुए? बेस्ट डेब्यू फीमेल. आज भी आइए ना.
I have tissue paper as well for her. Now she cries. Thank you so much. Thank you. Short. Come on. Wait. Here. एकदम आज रेड कारपेट मैंने एकदम सॉलिड तैयारी की है. NB2 करके मेरे अंकल की शॉप है, मैंने उधर से ये पूरा ये सूट और सब बनवाया मैंने और एकदम तैयार हूँ मैं अवार्ड के लिए. हमारी सीरियल को लेकर हमारी सीरियल नॉमिनेटेड है एंड बस हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें सीरियल का अवार्ड मिल ही जाए. बहुत मायने रखता है क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी भरतनाट्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भरतनाट्यम करते हैं लेकिन उसके बाद जो आरंगेत्रम होता है दैट इज द मेन पार्ट द अवार्ड फंक्शन इज लाइक दैट. हम जो भी काम करते हैं बट अवार्ड फंक्शन आता है तब एक चीज we come out from the stage fear. That is the cool look center. Old memories. मैंने वही बोला कि मैं जब छोटा था तब वहाँ पर जब छोटे जो डांस करते थे लुंगी डांस और कितने सारे पता नहीं कितने डांस किए हम लोगों ने वो जो फन था जो 10 दिन का जो रिहर्सल टाइम था दैट वॉज द गोल्डन पीरियड. थैंक यू. ये तो एक कैशुअल लुक है मेरा एंड रावण का लुक आया तो इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली आई थिंक सो गोल्ड फॉर गोल्ड कार्पेट वुड हैव सूटेड बट या आई डिडंट नो इट वुड हैव बीन अ गोल्ड कार्पेट अदरवाइज आई वुड हैव कम इन रावण रोल करेक्ट नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है ये पॉजिटिव कैरेक्टर है रावण का एंड feels good, really feels good. Any golden memory you want to share with us? Golden memory is the first shot which I gave. Thank you for understanding. And, seeing what I read, it was totally different what I was told. And that was a golden moment because it was a very good scene with Rama. Thank you. Visual. Sir, look here. हालांकि गोल्ड अवार्ड में मैं पहली बार आई हूँ चारों लोगों को काफ़ी इंतज़ार है मुझे अंदर जाने का देखने क्या है आपकी लाइफ की ऐसे कोई गोल्डन मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं बेस्ट देखो मैं गोल्ड अवार्ड में पहली बार आई हूँ तो भगवान जी का जो इधर आवे मैं जाऊंगी सब कुछ हो जाएगा मैम शॉर्ट थोड़ा इस तरह भाई इस तरह Just look here. Just look here, ma'am. साथ में दोनों जन देखिए.
सब मुझे बहुत ही बबली ड्रेस में देख रहे हैं दिस टाइम सब इंडो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ स्टफ सो ये मेरे लिए भी एक डिफरेंट है एक चेंज है आई एम लाइक थोड़ा पे ब्लैक और रेड गोल्डन दो तीन ड्रेस है हमारे शो में एक्चुअली फोर नॉमिनेशन वरुण इज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर वरुण और मैं वी आर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सुजाता इज नॉमिनेटेड फॉर कॉमिक एक्टर लाइक कॉमेडी एक्टर एंड शो है जो बेस्ट शो में नॉमिनेटेड है गोल्ड कार्पेट की तैयारियां तो ये खैर गोल्ड अवार्ड्स ने ही कर दी हैं और एक्टर्स को एकदम ऑस्कर वाली फील आ रही है तो बड़ी ही अच्छी बात है तो गोल्ड कार्पेट ग्रीन कार्पेट ब्लू कार्पेट रेड कार्पेट जो भी हो ये हम सबको बहुत एक्साइट करता है और गोल्ड अवार्ड्स एक ऐसी सेरेमनी है जिसका हम सब हर साल वेट करते हैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड में हमारे शो को नॉमिनेट किया गया है मुझे नॉमिनेट किया गया है रिधिमा को नॉमिनेट किया है मुझे बेस्ट एक्टर पे किया गया है रिधिमा को बेस्ट डेब्यू के लिए किया गया है बहू हमारी रजनीकांत को बेस्ट कॉमेडी शो के लिए नॉमिनेट किया है तो ऑब्वियसली इन सब के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और आई होप हमें सारे अवार्ड्स मिल जाएं थैंक यू इसमें 20 मिनट लगे मैम आप आइएगा मैं 20 मिनट में सबको बहुत लगेगा जिया सबसे पहले तो 9th ईयर है गोल्डन अवार्ड का क्या कहना चाहेंगे इस बारे में गोल्डन कार्पेट पर वॉक करके आए हैं कैसा लगा गोल्डन कार्पेट में वॉक करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम दैट विल कॉन्ट्रास्ट टू द गोल्डन कार्पेट दैट इज ब्राउन वाइट एंड आई वांट टू विश कांग्रेचुलेशंस टू
everybody involved and related to Goals. Keep it up and all the best. Many more years to Goal Awards. So, I'm wearing a different kind of fabric. This is Archie's sweatshirt. And with this fabric, she has given employment to a lot of women in the village. Because we both of us together do a lot of things in relation to charities. So, this is one step towards it. Since you are talking about golden awards, any golden memory you want to share with us? Yes, I have won a lot of gold awards for the best actress, and I hope that I keep winning best actress awards. Right now I'm not doing a show, but tomorrow when I sign a show, I'm sure gold awards is again going to give me the best actress award. Thank you. Short. Yeah, short. आपकी हालत है लगता है ना समरी ही रहना चाहिए बस तो बताओ अभी हिम्मत नहीं होती है कि इट्स ऑल केक्ड अप वंस पैक अप इट्स लाइक यू वांट टू गेट ऑफ हाँ जी नाइन्थ ईयर हाँ गोल्ड अवार्ड का नाइन्थ ईयर है मेरा नाइन्थ ईयर थोड़ी ना है नहीं अवार्ड्स डेफिनेटली अवार्ड्स एंड आई होप राइटली डिजर्विंग एक्टर्स को मिले राइटली डिजर्विंग एक्टर्स हमेशा रोक तो सही किसी को आगे से पीछे जा रहे हैं Thank you. Snapchat तो कर लो पूरी टीम के साथ बैठे हुए उठना नहीं ओह गॉड तू यहाँ पे तू होस्ट कर रहा है At the Gold Awards and you can see the entire battalion of everybody say hi. All right, man. I love all these guys. They work so hard. गोल्ड अवार्ड को नहीं इसलिए मैंने ना एक्चुअली व्हाइट पहना कि गोल्ड फिर ऐसा बाउंस करते ना फेस पर और स्टार तो है ही तो सुपरस्टार हो जाते हैं इस गोल्ड अवार्ड की वजह से अच्छा फिलहाल तो एक फिल्म कर रहे हैं हमें तुमसे प्यार कितना हिंदी फिल्म है जैसे शूटिंग खत्म हो जाएगी आपका सवाल मैं आंसर कर लेता हूँ टीवी में आएंगे या सब जरूर देखें टीवी में किस रूप में देखेंगे वो आप मैं विकास कलंत्री इज अ डार्लिंग ऑफ माइंड इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड इज माय ब्रदर और चाहे परफॉर्म करूँ ना करूँ अवार्ड मिले ना मिले आई बी देयर फॉर द अवार्ड काम तो कर रहा है तो हो गया काम हो गया आपका ठीक है Styling. This is a vintage lace thing from France. It actually belonged to my mother-in-law. So it's actually a very vintage is very in, as you know. So this is plus the style is very much in. And
chukkas are by this friend of mine, Varsha. Yes, yes. Hamare serial Tashnesh, kafi log nominated hai. We've got best jodi of Kunj and Twinkle. We have best supporting actress, Vaishnavi. And we have best villain in Zain Imam, UV. So we have a lot of support for Chirkan and Ayu. So I hope we get lots of awards. Thank you very much. Ma'am, sir. दाता ने जो है ना न्यूक्लियर मैम मैम वो लो 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 थैंक यू की परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या कहना चाहिए इट्स अ wonderful thing that it's the ninth year. Vikas Kalantri is a dear friend and Gold Awards is, I'm part of the jury this year. So I'm very happy to be part of the Gold Awards. बहुत सारी preparations की मैंने सारे performances देखे जितने भी मुझे DVD में मिले थे and I found a lot of performances fantastic. It was a difficult process. Television के actors बहुत मेहनत करते हैं तो आप किसी को अगर nominated को select नहीं करते हैं तो you feel bad because you know कितनी मेहनत है. सबसे ज़्यादा कौन सी category में select करना? Female in a negative role. Television में कौन nominated? As a junior, I cannot say anything. इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल अभी बॉलीवुड में जो सेंसरशिप का चल रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्टिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है सेंसरशिप की नहीं. Because 2016 में आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या कीजिए या क्या मत कीजिए. That is just not on. I'm totally against it. Completely. आप बताइए. मेरी लुक के बारे में दिस इज एन आउटफिट बाय Dolce & Gabbana थैंक यू सो मच वेट 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 Okay, but what I see right now. Look here, sir. Vishal, बीच-बीच में मत घुमा कर बाल आते हैं बीच में. Vishal. हाँ भाई. Look center. यहाँ पे वेट 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 होल्ड ना होल्ड 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 होल्ड
Well, I'm wearing. Well, I have walked for this. Wait. They have seen me. आप कह रहे हैं हाँ मेरे लिए थोड़ा सा नया थोड़ा सा अलग है सिंस लिटिल सेमी टाइम सॉन्ग्स है तो अच्छा लगा कम टाइम लगा रेडी होने में सिंस इट्स मोर सिंपल एंड द ड्रेस इज आल्सो सिंपल एंड एलिगेंट सो इस बार थोड़ा सा सिंपल नाइन्थ ईयर है और मेरा भी आठवां गोल्ड अवार्ड आई थिंक एक गोल्ड अवार्ड शायद मेरे से पहले हुआ है my eighth gold award and I'm so so thankful to Vikas ki every time he makes sure ki sab aaye personally sabko call karke so sara jo credit hai wo Vikas ko hi jata hai nomination to ye mat kehna ki ye mera yes so hum kaafi categories mein nominated hain main nominated hai karan nominated hai naksh nominated hai hamara show nominated hai आई विश कम से कम चार पांच अवार्ड तो हम इस बार जीत के आए हैं गोल्ड के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं मेरे पास ऑलरेडी तीन गोल्ड अवार्ड्स हैं और एक दो बाल्टीज भी हैं जो मुझे रोने के लिए मिली हैं सो दिस इज गोइंग टू बी माय फोर्थ ट्रॉफी इफ आई गेट वन मेमोरीज बहुत स्वीट हैं एंड उन्होंने मुझे हमेशा स्पेशल फील करा इनफैक्ट यू वोंट बिलीव मैंने लास्ट टाइम एक प्रिंसेस का एक्ट किया था सिंस देन विकास एंड हिज एंटायर टीम कॉल्स मी ओनली प्रिंसेस कोई मुझे हिना नहीं बुलाता सब मुझे प्रिंसेस बुलाते हैं सो दैट्स रियली स्वीट दे मेक मी फील स्पेशल तो आना बनता है यहाँ क्या था पूछो तो हाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई हेल्पर लगेगा लेकिन आज गोल्ड अवार्ड्स है स्पेशल थिंग स्पेशल सेरेमनी है सो मैंने सोचा कि थोड़ा स्पेशल ड्रेसअप करके आऊँ समथिंग डिफरेंट जो मैं यूजली ड्रेसअप नहीं करती हूँ बट तो मैंने सोचा कि गाउन पहन लिया और हियर आई एम ज्वेलरी मैंने थोड़ी मिनिमम ही रखी है छोटे नहीं है बट स्टड्स हैं ब्लैक स्टड्स हैं एंड हाँ मैं मोस्ट बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ सो आई जस्ट होप द वड़ा पाव नहीं नहीं